हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बैम्स नेशन में। और आज जो वीडियो आप देख रहे हैं वो सीधा बद्रीनाथ धाम से है, क्योंकि मैं तो नहीं जा पाया लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स गए थे तो उन्हीं से ये वीडियो मुझे मिला है। और रास्ता भी आप देख रहे होंगे कितना दुर्गम रास्ता है, ये पत्थर भी नीचे गिरे हुए हैं, ऊपर से चट्टानें नीचे आ रखी हैं, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। लेकिन आप आगे इस वीडियो को देखिए और बद्रीनाथ धाम के दर्शन आप लोग भी ज़रूर कीजिए। आप देख रहे हैं बाहर से लोग, काफ़ी लोग आए हुए हैं, कुछ मोटर बाइक से आए हुए हैं, अपने अपनी बाइक लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। काफ़ी ख़तरनाक भी है ये, लेकिन आप इसको प्लीज़ इन्जॉय कीजिए, इस वीडियो को इन्जॉय कीजिए। और भगवान बद्रीनाथ से मैं यही कामना करूँगा कि आप लोग सभी लोग खुश रहें। आप जो ये वीडियो में देख रहे हैं वो भीम पुल का वीडियो है। और इसको भीम पुल क्यों कहा जाता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जब पांडव स्वर्गारोहण की ओर बढ़ रहे थे उस वक्त सरस्वती नदी जो थी वो बीच में थी, और इसको पार करने के लिए महाबली भीमसेन ने एक विशाल पत्थर की शिला को उठाकर पुल का निर्माण किया था। और तभी इस पुल को पार कर पांडव लोग आगे बढ़े थे, और तभी से इस पुल का नाम भीम पुल पड़ गया। और ये देखिए सरस्वती नदी है, ये इसी को पार कर जाना था पांडवों ने। कितनी खूबसूरत नदी है। और ये आपको माता रानी की डोली के भी दर्शन हो गए हैं, और सामने बड़ा ही अद्भुत दृश्य है ये। आहा, कितना खूबसूरत दृश्य है। और सामने आप देखिए बद्री विशाल का मंदिर है, बद्री धाम आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। भगवान बद्री विशाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे, मैं यही कामना करूँगा, यही दुआ करूँगा। और ये देखिए नीचे कितनी खूबसूरत नदी है, सरस्वती नदी है। अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है, तो आप लोग माता रानी के दर्शन कीजिए, माता रानी की डोली के दर्शन कीजिए। और मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए आगे नए नए वीडियो ऐसे बनाते रहूँ। और साथ में प्लीज़ बेल का आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का जल्दी से नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोग मेरी वीडियो को देख सकें। तो एक बार फिर से जय भगवान बद्री विशाल की। और मैं भगवान से यही कामना करूंगा कि आप सब पर उनकी कृपा बनी रहे और सभी लोग सुखी रहें और निरोग्य रहें।